ये तो हम सब जानते हैं कि भारत समेत दुनिया भर के लोगों का हिंदू पुराणों से गहरा रिश्ता है। हिंदू पुराणों में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का विस्तृत वर्णन है। इन सभी देवी देवताओं से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय कहानियाँ हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ ऐसी ही है रहस्यमय कहानी भगवान कृष्ण और उनके पुत्र से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है भगवान कृष्ण ने गुस्से में अपने ही पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। आज हम आपको इसी रोचक कहानी के बारे में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं dilattu.com। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि हम ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें। वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियाँ थीं, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। भगवान कृष्ण और जामवंती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मनी हासिल करने के लिए भगवान कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया तो उन्होंने मनी समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी भगवान कृष्ण को सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था। कहते हैं कि सांबा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियाँ भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि सांबा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर लिया और उसे अपने आलिंगन में भर लिया। लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया और उसी बात से गुस्से में होकर कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार महर्षि अटक ने सांबा को कोढ़ी से मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि वो सूर्य की उपासना करे। उसके बाद सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 साल तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कितने सालों तक? 12 सालों तक। कहते हैं कि सूर्य देव ने तब उसके तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। तो कैसा लगा आपको भगवान कृष्ण और उनके पुत्र के ये रोचक कहानी? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा भी करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्ते, धन्यवाद।